नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। मजाज ने सालों पहले एक शेर में कहा था, तुम्हारे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तुम्हारे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तुम इस आंचल का एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आज के समय में हमारे ही बीच ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपने आंचल का परचम बनाकर समाज में एक नई मिसाल कायम की है। आज महिलाएं समाज में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है, चाहे वो व्यवसाय हो या राजनीति, आर्म फोर्सेस हो या एंटरटेनमेंट, हर क्षेत्र में महिलाओं ने एक नई सशक्त लहर की शुरुआत की है। और ये लहर शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी उभरी आई है। ये बात सच है कि अब तक पूरी तरह से महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाया, पर इसके बावजूद भी कई महिलाएं तेजी से आगे बढ़ रही है और ये महिलाएं एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। महिलाएं स्वनिर्भर और सशक्त बन रही है। जो महिलाएं पहले घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो आज खुद की आमदनी से पूरा घर चला रही है। तो इससे बढ़कर सशक्तिकरण का उदाहरण और क्या हो सकता है? जो बदलाव ग्रासरूट लेवल से शुरू होता है, वो सही मायने में इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज का प्रतीक है। मुझे ये कहते हुए आज गर्व होता है कि इस बदलाव को लाने में अदानी फाउंडेशन का भी एक छोटा सा योगदान रहा है। आज हमारे साथ कुछ ऐसी महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने बदलाव लाकर सुनहरे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। इनकी कहानी सचमुच में बहुत इंस्पायरिंग है। उनकी जिंदगी में जितने भी सामाजिक, मानसिक और शारीरिक चैलेंजेस आए, उन्होंने उनका हटकर सामना किया। उन्होंने अपने परिवार के साथ साथ कई और महिलाओं के जीवन में भी एक पॉजिटिव चेंज की शुरुआत की। आज मैं आप सबको ऐसी चार प्रेरणादायक महिलाओं से मिलाना चाहती हूँ। उन्होंने अपने क्षेत्र में इम्पैक्ट मेकर्स कहके संबोधित किया जा सकता है। तो आइए मिलते हैं उन इम्पैक्ट मेकर्स से। मुंद्रा के मोटा कपाया गांव में दरबार समाज से आती प्रज्ञाबा की कहानी बहुत प्रशंसनीय है। प्रज्ञाबा ने श्रद्धा सहेली स्वास्थ्य जूथ से जुड़कर अनेक विपदाओं को पीछे छोड़कर अपने काम से समाज में एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। आइए प्रज्ञाबा के बारे में और जानते हैं। हल रे बड़ जा रहा तो के कछड़ो बताया, हल रे बड़ जा रहा तो के कछड़ो बताया, कछड़े में तो के मुझू भेड़ू मिलाया, कछड़े में तो के मुझी जडलू मिलाया, हल रे ए हल हल रे बड़ जा रहा तो के कछड़ो बताया। एक टाइम एवं आयो कि आ घरनी परिस्थिति एटली खराब थी गई थी कि अमने छे छास रोटलो मळे तो अमने एम थातु तो कि अमे नसीबदार छीए। पहला खाली घरनू काम, घर आ ते, हवे अमने काई भी ऑर्डर आवे, काई पण होय तो अमे तरत ज, अमने खबर छे कि अमारी अंदर एटलू टेलेंट छे कि आ 20-200 जणानो पण रसोड़ो बनावो तो अमे विचारता नथी, डायरेक्ट हाच पाड़ी दे। हूँ एकली नहीं, अमारा ग्रुपना बधा बहनों में एटलो हवे टेलेंट छे के करी सके, एटले एटलू बधु अमारा में आत्मविश्वास वध्यो छे। हवे मारू नाम प्रज्ञाबा भाटी छे, हूँ मुंद्रा तालुकाना मोटा कपाया गाम में रहूँ छूँ। मारा
બે સંતાન છે, મારા હસબન્ડ અમે ચાર જણા રહીએ છીએ. થોડાક ટાઈમ પહેલાં મારા હસબન્ડનો એક્સિડન્ટ થયો એટલે અમારા ઘરમાં પણ થોડી પ્રોબ્લમ આવી ગઈ. તે 12 મહિના બેડરસ હતા, એમના બે પગમાં પ્લેટ લાગેલી છે લોખંડની, અને પછી અમારા ઘરમાં પણ થોડીક પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ થઈ ગઈ. એટલે અમે દેવલબેન છે કે ફાઉન્ડેશનના કોઈ ટીમના હોય એમને વાત કરી, તો સ્ટાર્ટિંગ રોટલીથી કરી. પછી એ લોકોએ કામ અમારું જોયું, બરાબર લાગ્યો, તો આગળ આગળ અમને કામ આપ્યો, ગ્રુપ રજીસ્ટ્રેશન કરાવી દીધું. આજે મુંદ્રામાં પણ તાલીમો ચાલુ છે, તો એનું અમે ડેલી જમવાનું અમે જ લઈ જઈએ છીએ, ઘરે બનાવી બધું આપીએ છીએ, પીરસવાનું બધું અમે જ કરીએ છીએ. એટલે અમે જે ઘરમાં દિલથી બનાવીએ ને જમાડીએ, એવી રીતના જ આ બધા ટ્રેનિંગમાં આપવા આવે છે, એ લોકોને જમાડીએ છીએ. અહીંયા બધા જમે છે, ટ્રેનિંગના સાહેબને હોય એ લોકોને પણ અમે પૂછતા હોઈએ કે છોકરાઓને કહેજો કાંઈ આમાં કાંઈ હોય ફોલ્ટ તો અમને કહે, તો અમે સુધારો વધારો કરતા રહીશું એમ. તો છોકરાઓ પણ બધા કહે છે કે નહીં, તમે લોકો બધા જેવું અમે અમારા મમ્મી ઘરે જમાડે છે એવું જ તમે જમાડો છો. કામ નહોતો ત્યારે બહુ વિચારી વિચારીને એક એક રૂપિયો ખર્ચવો પડતો હતો, આજે આવક છે તો છોકરાઓ ને પણ કાંઈ ખુશી આપી છે, એ ખુશ થાય એનાથી 100 ગણી ખુશી મને મળે છે. કે અમારા દરબાર બહેનોમાં બહાર નીકળવા બહુ ઓછું મળે, પણ અમે નીકળ્યા તો અમારા પાછળ બીજાને પણ પ્રોત્સાહન મળ્યો છે, અને એ લોકો પણ કહે છે કે અમને પણ તમારા જોડે રાખો એમ. ભગવાન કુદરત કોઈક માટે એક દરવાજો બંધ કરે તો બીજા 10 દરવાજા ખોલે એમ. ફાઉન્ડેશન અમારા માટે એ જ છે કે અમારા માટે દરવાજો ખુલ્યો કામ કરવા માટે. છાતી મોય અમૃત જર અને જગને જગને જીવન દેનાર, પણ મમતાનું રૂપ લઈને હે જોને આવ્યો સર્જનહાર. પ્રજ્ઞા બાકી વિડિયો મેં उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरे 10 दरवाजे भी खोल देता है. उसी तरह प्रज्ञा बा के उठाए साहसी कदमों ने दूसरी महिलाओं के लिए पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज के कई और दरवाजे खोल दिए हैं. इसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, किस तरह वे खुद के पैरों पर खड़ी हुई और उनके जीवन में कैसा बदलाव आया है, आइए जानते हैं उन्हीं की जबानी. मैं प्रज्ञा बा का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ. जय माता जी. तो प्रज्ञा बा, हमने आपका वीडियो देखा और हमने देखा कि जीवन में आपको बहुत समस्याएं आई थी, तो वो ऐसी कौन सी बात थी जिससे आपको ये समस्याओं के सामने लड़ने का हौसला मिला, आप हमें बता सकती हैं आज? हाँ जी मैम, पहले तो हमारे समाज को जो एक नेगेटिविटी थी उसको सब हटा के, और मैं एक माँ हूँ तो मेरी बेटी को आगे बढ़ाना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा कि एक कमाए और 10 खाए. तो इसी तरीके से मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ कि हमें अपने पति को सपोर्ट करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारे बच्चों को अच्छा भविष्य देना है. ऐसे ही बच्चों की वजह से आपको बहुत हौसला मिला? बहुत हौसला मिला. अच्छा, बहुत अच्छी बात है. अच्छा, तो आपने श्रद्धा सहेली जो जूथ है अपना, उसके माध्यम से आप हमें बता सकती हैं आज कि कितनी महिलाओं को आप मदद कर पाई है और उनके जीवन में भी कैसा बदलाव आया है? पहले हमने श्रद्धा सहेली जो जूथ बनाया उसमें हम 3 थे, 3 लेडीज थे, आज हम 10 बहनें हैं, उसमें भी 3 महिलाएं विधवा हैं. अच्छा. जो छोटी सी उम्र में विधवा हो गई, और उनको भी जैसे मैं काम कर रही हूँ तो उन्हें तो ज़्यादा ज़रूरत थी काम के लिए, उनके पति नहीं रहे, तो उन्हें भी बहुत समझाया हमारे समाज की जो रीत है बाहर नहीं जाना है, वो सब ऐसे
जो बात है वो उनको बताएं कि आप भी काम कीजिए, आपका मम्मी पापा दोनों का फर्ज निभाना है, जैसे आपके पति नहीं तो वो भी आज हमारे साथ अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और वो बहुत खुश हैं। ऐसी एक आध महिला की बात आप कर सकते हो? हाँ, एक हमारे ग्रुप में ही है, हरीबा नाम है उनका, दरबार है। वो उनका लड़का जब 16 दिन का था तभी उनके, हाँ 16 दिन का था तभी उसके पति की डेथ हो गई। जैसे उनको समझो ना, पूरा ऐसे दुख का दिन आ गया, तो वो हमारे में तो पूरा एक महीना तक तो घर से बाहर भी नहीं जाते हैं। फिर उनको समझाया कि जैसे मैं काम कर रही हूँ और काम घर पे ही करना है, तो ऐसे वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आज उसका लड़का अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, फर्स्ट नंबर से आ रहा है। इसे तो इस तरह से बहुत खुशी की बात है ना ये। अच्छा तो प्रज्ञा बा, जब आपने शुरुआत की थी तब से लेकर आज तक आपका, अब हमने देखा कि पहले आपका परिवार का सपोर्ट नहीं था, पर आज अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो बदलाव कैसा है आप अपने शब्दों में जरा हमको बता सकते हैं? हाँ जी, पहले तो ऐसे किसी बाहर नहीं जाना है, किसी मर्द से बात नहीं करनी है, कोई मीटिंग अटेंड नहीं करनी है, ऐसे सब मानसिकता थी उनकी। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि घर पे काम करके भी इतना पैसा घर में आ रहा है, बच्चों का भविष्य अच्छा चल रहा है, तो अब जैसे कोई 10 बजे भी कोई फ़ोन करेगा काम के लिए तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि आज उनका सपोर्ट है मेरे साथ। कोई भी काम होगा तो वो अब कुछ भी मना नहीं करते हैं। आज मैं आपके सामने आई हूँ तो वो भी उनका सपोर्ट है कि मुझे इधर तक भेजा है। ऐसे तो अब बहुत अच्छे से मान भी रखते हैं सब, और कोई बात का ऐसे डर के नहीं पूछना पड़ता है, अपने आप ही बोलते हैं ठीक है आपको जाना है, आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो जाइए। बहुत आपसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है प्रज्ञा बा, आप सचमुच में बहुत इंस्पायरिंग है। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, तो आप बाकी महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगी? बस मैं यही कहूँगी, मैं बहुत पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगी, कहना काफ़ी नहीं है, कुछ करना भी पड़ता है, कभी दुनिया से लड़ना पड़ता है, कभी खुद से लड़ना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। ऐसे बोलेंगे और करेंगे नहीं तो क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब खाने की बात आती है तो सबसे पहले इसे रिलेट कर सकते हैं पोषण से, और आज भारत में कुपोषण की जो स्थिति है उसे देखते हमने कई इनिशिएटिव्स लिए हैं। इन इनिशिएटिव्स में प्रोजेक्ट फॉर्चून सुपोषण एक बहुत ही सफल और इम्पैक्टफुल प्रोजेक्ट है। सुपोषण के माध्यम से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के बेर्दीपुर गांव की रेखा ताई, इसने सुपोषण संगीनी के तौर पर नियुक्त किया गया था। आज रेखा ताई अपने काम से कई महिलाओं को प्रेरित कर रही है। आइए देखते हैं रेखा ताई की कहानी। मेरे पति का एक्सीडेंट से देहांत हो जाता है, उसके बाद मानो दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर गिरता है। मैं एक साल के बीच में मतलब कहीं बाहर मेरी निकलने की इच्छा ही नहीं होती थी और न कुछ काम करने की। मेरा नाम रेखा भीमराज बिसेन है, मैं बेड़ीपार गांव में रहती हूँ। बच्चे छोटे थे, उनका लालन पालन करने के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना जरूरी था। खेती में कुछ काम करके हमारा गुजारा नहीं हो सकता था,
इसलिए मुझे रोज मजूरी करके भी कुछ दिन तक मैंने अपना घर परिवार का मतलब खर्चा उठाई, तो वो सिर्फ 4-8 दिनों के लिए मिलती थी, बाकी दिन खाली रहना पड़ते था। इसकी वजह से मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति है जो बहुत खराब हो चुकी थी। मेरी स्थिति ऐसी थी कि 4 दीवारियों में बंद जैसी। मुझे वो जो संगीनी का काम मिला उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा। मेरी मानसिक स्थिति तो बहुत सुधार हुई, क्योंकि घर घर में जाके महिला से मिलके, किशोरी लड़कियों से मिलके बहुत अच्छा लगते था। फाउंडेशन द्वारा तिरोड़ा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी दूध संकलन केंद्र अनुराधा डेयरी करके बेड़ीपार गाँव में खोला गया, तो मेरा संगीनी का कार्य देख के वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर लिया। मैं डेयरी में सुबह 7 बजे जाती हूँ। ग्राहक जब डेयरी में आते हैं तो उनको हम लाइन लगाने बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा ग्राहक है तो भीड़ हो जाती है, इसलिए एक एक ग्राहक की लाइन लगाते हैं। फिर उनका दूध टेस्ट करके मशीन में लगाते हैं फैट एसएनएफ के लिए। फिर फैट एसएनएफ आ गया तो उनका नाम रजिस्टर पे नाम वगैरह लिखते हैं, फिर उनको पर्ची निकाल के देते हैं कि आपका इतना लीटर हुआ, इतना रेट आया और इतना टोटल अमाउंट हुआ करके। फिर वो ग्राहक तसल्ली कर लेते हैं कि अपना इतना हुआ या नहीं। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक कलेक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है। और जो फार्मर लोग है वो उनके सारे 10 दिन की हम एंट्री करते हैं, उनकी पेमेंट शीट भरने का काम भी करती हूँ। पहले उनको शक था कि ये हमारा मतलब लीटर बराबर लिखेगी या नहीं, रेट बराबर लिखेगी या नहीं, तो उनका ये जो अंधविश्वास था वो अब पूरा दूर हो चुका है, क्योंकि मैंने इतने मेहनत से काम की हुआ, किसी का आज तक कोई गड़बड़ नहीं आया है। इसलिए पहले दिन सिर्फ 7.5 लीटर दूध हुआ था और सिर्फ 5 ग्राहक थे, दूसरे दिन 13 लीटर हुआ, तीसरे दिन 20 लीटर, ऐसे करते करते आज का कलेक्शन 1000 लीटर है और फार्मरों की संख्या 100 से ऊपर है। डेयरी में जाके मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा तो फायदा हुआ, आज मुझे घर चलाने के लिए पेमेंट मिलता है, तो उससे मेरे बच्चों का भी खर्चा निकल जाता है और मेरा भी, लेकिन मेरे साथ साथ किसानों का भी फायदा हुआ, भी उनको 4 रुपये से लेकर 20 रुपये तक का मुनाफा होता है। ये डेयरी चलाने के बाद मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ, किसी पे निर्भर नहीं हूँ, मेरा मतलब मैं खुद के भरोसे पे खुद कर सकती हूँ। रेखा ताई की कहानी देखने के बाद ये सिद्ध होता है कि इंसान पर दुखों का पहाड़ भी टूट पड़े, फिर भी वो जो आत्मनिर्भर होने की क्षमता रखता है वो आगे बढ़ सकता है। रेखा ताई अपने आत्मविश्वास और कुशलता के दम पर अपनी और अपने परिवार की परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने में कामयाब रही है। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रेखा ताई आपका स्वागत है, बैठिए। रेखा ताई कैसे हो? रेखा ताई आज ठीक, आप तो तिरोड़ा से आए हो, गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से, बहुत मुसाफरी करके अहमदाबाद आए, लंबी सफर थी। हाँ। पहली बार अहमदाबाद आए कि हाँ। पहले आ चुके आए थे? नहीं, पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। आपके पति का देहांत हुआ था ऐसा आपने बताया था, तो उसके बाद आपको बहुत मुश्किलें भी आई होगी, तो उनका कुछ वर्णन आप कर सकते हैं? आपके पर क्या बीती थी? हाँ मैम, मेरे पति का दुर्घटना से देहांत हो गया था, उसके बाद मुझे बहुत मतलब बड़ा सदमा लगा था। मैं 1 साल के अंदर उस ऐसे स्थिति में थी कि मैं ना घर से बाहर जाने की मेरी इच्छा नहीं होती थी, कुछ काम करने की नहीं होती थी, लेकिन मेरे बच्चे वो छोटे थे इसलिए मुझे कुछ करना ही था। मैंने एक आत्मविश्वास बना लिया अपने में, मुझे कुछ करना ही है, जैसे बच्चों का घर खर्चा चलाना है, उनके शिक्षण पढ़ाई, घर की सारी जिम्मेदारी, सभी मुश्किलें
का सामना मुझे करना था और ये सारी जिम्मेदारी मुझे पे थी। तो मैंने अपना विश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ाया कि मुझे आगे कुछ करना है। सो 2016 में मैंने सुपोषण ज्वाइन कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आपने सुपोषण ज्वाइन कर दिया और सुपोषण संगिनी की तरह आप रह चुकी है। हाँ। तो उस समय आपका जो अनुभव रहा वो आपको कैसा रहा? सुपोषण का कार्य करते समय मुझे तो बहुत अच्छा लगता था। जैसे मेरे पति के जाने के बाद जो सदमा मुझे लगा था, मेरी मानसिक स्थिति जो बनी थी, तो सुपोषण के कार्य में वो मेरी मानसिक स्थिति भी अच्छी होने लगी, उसमें सुधार आने लगा। गांव घर घर में जाके महिलाओं से मिलना, उनसे काउंसलिंग करना, जो कुपोषित बच्चे होते थे उनके माता पिताओं से काउंसलिंग करके वो बच्चे कैसे सुदृढ़ बने, ये सारे मार्गदर्शन उन्हें दिए जाते थे। और मैम, इस कार्य करते समय मुझे एक अनुभव हुआ जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी। एक लड़का, 4 साल का एक लड़का था कुणाल नाम का, उसका वजन बहुत ही कम था, वो कुपोषित था, लेकिन उसके माता पिता कहीं बाहर ले जाने के लिए नहीं मान रहे थे। जैसे डॉक्टरों के सलाह, उन्हें लगता था कि बड़ा हो जाएगा तो इसका वेट भी बढ़ते जाएगा, लेकिन उनसे उनके घर बार बार जाके उनको रिक्वेस्ट करके मैंने उनको सिटी में उनके लड़के को भेजी अपने जिम्मेदारी पे। तो 14 दिन तक उनका लड़का वहाँ रहा, तो उसमें ग्रोथ होने लगा, मतलब उसका वजन भी बढ़ने लगा, वो खाना पीना भी ढंग से मतलब खाने लगा। फिर वहाँ से आने के बाद वो लोग मुझे मतलब सम्मान दे रहे थे कि हम ना चाहते हुए भी आपके कहने पे गए और हमारे लड़के में सुधार हुए। तो ये सब सुन के भी मुझे बहुत अच्छा लगते था। बहुत अच्छी बात है, किसी का भविष्य चेंज हो गया आपकी वजह से। हाँ, तो आपको भी बहुत अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लगते था ये कार्य करके। मुझे मेरे परिवार पे भी मतलब मेरे पे गर्व था और मुझे भी कि मैं मतलब कुछ समाज के लिए कुछ काम आ रही हूँ। तो रेखा ताई, आपने सुपोषण से शुरुआत की और अब आज तो अनुराधा डेयरी जैसा बड़ा व्यवसाय संभाल रही है, तो ये कैसे हो सका? आपने कुछ ट्रेनिंग लिया कि ये कैसे हो पाया आपसे? नहीं, ये मतलब मैं सुपोषण में जो कार्य करती थी वह कार्य मतलब अच्छी तरह से देखे, मुझे यहाँ अनुराधा डेयरी में भी कार्य मिल गया। तो मैं यहाँ, मुझे ट्रेनिंग अनुराधा डेयरी में ही जाके प्राप्त हुई। मैंने वहाँ से मतलब जो हम हर दिन कलेक्शन करते थे, जो दूध का सैंपल चेक करते थे, उसी से और अनुभव प्राप्त करके मैंने अनुराधा डेयरी में ही अनुभव प्राप्त किया। बहुत अच्छा, क्योंकि आप 100 फार्मर से मिलते हो ना रोज। हाँ, आपको दूध देने 130 फार्मर है। हाँ। उन सभी से मतलब कोई लोग कैसे बोलते हैं कैसे ऐसे मतलब उनसे उनमें काम करना बहुत ही एक कठिन है, फिर भी मैंने कर दिखाया और बड़ी कुशलता से मैं अब वहाँ कार्य कर रही हूँ। तो आपके जीवन में अभी आर्थिक और सामाजिक रूप से किस तरह से बदलाव आया है? पहले से अभी बदलाव आया है तो कैसा है? मेरी स्थिति में पहले से और अभी की स्थिति में काफी बदलाव आया है। आर्थिक परिस्थिति बोलो तो जो घर खर्चा है अपना, वो मेरा मेंटेनेंस हो रहा है अपनी खुद की कमाई से। और सामाजिक रूप से देखा जाए तो समाज में भी मुझे मान प्रतिष्ठा मिलने लगी है। गांव का हर एक नागरिक मुझे जानता है और बच्चा बच्चा तक मुझे जानता है, और ये सब देख के मुझे मतलब बहुत खुशी होती है और मेरे बच्चे भी मुझ पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि गांव में अपन जहाँ भी जिसके घर में जाओ तो अपना मान होता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो क्या कह के बुलाते हैं आपको गांव वाले, या रेखा ताई ही बुलाते हैं, या मौसी बुलाते हैं, या क्या बुलाते हैं? सबकी आप बहुत प्रिय है ना। तो सब अपने अपने नजरिए से बुलाते हैं, कोई मतलब ताई करके बुलाते हैं, कोई बहन करके। तो रेखा ताई, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और आप अपने जीवन से जो आपको सीख मिली है इससे आप बाकी महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहोगी? हाँ, मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूंगी कि कभी भी डरना नहीं चाहिए, मतलब हिम्मत रखनी चाहिए और डट के मुकाबला करना चाहिए, सकारात्मक विचारों के साथ और मेहनत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जैसे मैं आगे बढ़ी हूँ वैसे हर महिलाओं ने भी आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सचमुच में आपकी सोच तो बहुत बड़ी है और आपको भी भविष्य में बहुत सफलता मिले ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं।
जो रेखा ताई ने कर दिखाया वो तभी मुमकिन हो सकता है जब आप मेहनत और लगन से अपना काम करें। पर कुछ महिलाएं ऐसी भी होती है जिन्हें समान अधिकार के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। सरगुजा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव पारसा की वीणा देवागन, उन्होंने बचपन से यही देखा कि महिलाएं पुरुषों के समान नहीं होती। आज वे मब्स यानी महिला उद्यमी बहुदेशीय सहकारी समिति लिमिटेड, उसमें स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग यूनिट को हेड करती है। वीणा जी आज सैकड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। आइए जानते हैं वीणा जी की कहानी। मेरे को शुरू में ही पढ़ाई करने का बहुत शौक था। मेरे को था कि मैं पढ़ाई करके नर्स बनूं करके। गांव में बोलते हैं कि लड़की है तो जल्दी शादी कर दे। मेरे माँ बाप लोग भी मेरा जल्दी ही शादी कर दिए और सोचे भी नहीं कि बोले कि बहू हो गई है अब नहीं पढ़ना है ऐसे करके। मेरा नाम वीणा देवांगन है और मैं परसा के हूँ। मैं अभी महिला उद्यमी बहुदेशी सहकारी समिति की सदस्य हूँ। मैं घर में ही सिलाई करती थी तो अदानी फाउंडेशन के सर लोग आते थे मेरा सिलाई देख के। मेरे को दूसरे जगह सिलाई करने के लिए बोले कि आप करवा दोगे क्या, सिलाई सिखा दोगे करके, तो मैं हाँ बोली। फिर वहाँ सिलाई सिखाने जाती थी। वहाँ से सिलाई सिखाते सिखाते मैं प्रोजेक्ट सुपोषण आया उसमें काम करना शुरू की। और एक चुनौती भी थी कि एक महिला कैसे घर का काम करके घर से बाहर निकल के बच्चे को भी देखेंगी और बाहर का भी काम देखेंगी, एक मेरे लिए एक चुनौती था। मैं उसका पूरा सामना करते हुए आज मॉप्स समिति है उसमें जो प्रोजेक्ट मसाला है उसका हेड हूँ। पहले तो हम लोग समिति में मसाला प्रोजेक्ट लाने के लिए गाँव में सर्वे किए, तो सर्वे करने के बाद हमको पता चला कि नहीं, बाहर से जो मसाला खरीदते हैं वो बहुत दिन का पैकेजिंग रहता है, खुला वाला धूल ढक्कर रहता है, तो क्यों ना हम गांव वाले को शुद्ध मसाला दें ऐसे करके। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग थोड़ा बड़ा समूह बना ले, कुछ काम करें। जो महिलाएं घर तक ही सीमित रहते हैं तो बाहर निकलें। फिर अदानी फाउंडेशन के पास हम लोग सर लोग आते थे हम लोग से, तो हम लोग पूछे ना सर हम लोग ऐसे ऐसे काम करेंगे, तो बोले कि नहीं दीदी आप लोग काम बनाइए समूह। तो उसके लिए हम लोग समूह सब महिलाओं को इकट्ठा किए। इस क्षेत्र में तो जैसे महुआ का ज्यादा है, आदिवासी क्षेत्र है पूरा, तो यहाँ तो घर घर शराब बनाते थे महिलाएं। उनको बोले हैं कि शराब नहीं बनाने, जो शराब से आपको इनकम होता है आप हमारे साथ जोड़ के नौकरी करिए, आपको शराब बनाने की जरूरत नहीं है करके, उनसे इनकम लीजिए करके। आज मेरे अंडर में 4 महिलाएं काम करती हैं और मैं मसाला सेंटर में पूरा डॉक्यूमेंट्स का काम करती हूँ। रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, इतना बिक गया है, इतना स्टॉक है और पैसा कितना आ गया, कितना उधारी है, ये सब चीज़ का डॉक्यूमेंट्स मैं करती हूँ खुद। दिक्कत तो आती थी जैसे हम लोग के पास पाउच नहीं था, केवल मैंने कि प्लेन पॉलीथीन में बेचते थे हम लोग, तो बोलते थे कि नहीं ये एक ब्रांडेड नहीं है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। फिर हम लोग धीरे धीरे लाइसेंस ले लिए, अपना ब्रांड बना लिए नेचर सप्राइम करके, और ब्रांड बना के आज बेचते हैं तो दिक्कत नहीं होता है। और हमारा मसाला है वो पूरा अंबिकापुर में जाता है, कोरबा जिला में जाता है, प्रेमनगर जाता है और बनारस भी जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं यानी कि पैसा कमा के घर के कुछ भी काम में एक मैंने सहायता करती हूँ, या बच्चे के फीस पटाने के लिए मैं अपना पैसा निकाल के देती हूँ, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं आज कमा के अपने बच्चे का भविष्य बना रही हूँ करके। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कम पढ़ी लिखी होकर इतना बड़ा काम संभाल रही हूँ। मैं और पढ़ाई करने के लिए रुचि रख रही हूँ और 12वीं का इस साल फॉर्म डाली हूँ 12वीं पढ़ने के लिए, और मैं सोच रही हूँ कि 12वीं के बाद BSc करूँगी। मेरा लक्ष्य है कि यहाँ कम से कम पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा और दूसरे राज्य में भी मसाला का मैं सेल करूँ और जितना ज़्यादा हो सके महिलाओं को मैं रोज़गार दे सकूँ, एक उनके आर्थिक स्थिति में मैं सुधार करवा सकूँ।
वीणा देवांगन की कहानी हमें यह सिखाती थी है कि अगर आपका लक्ष्य साफ हो, अगर आप उस तक पहुंचने का पूरा प्रयास करते हैं तो कोई लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। उन्होंने जिस तरह दूसरी महिलाओं को प्रेरित किया है, उन्हें रोजगार का मौका दिया है और अपने बनाए हुए ब्रांड उसको पूरे राज्य में फैलाने की उत्सुकता दिखाई है, ये देखकर लगता है वे वो किसी भी चुनौती को मात देने में सक्षम है। आइए वीणा देवांगन से मिलते हैं और उन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। वीणा जी, आज इस मंच पे आपका स्वागत है। नमस्कार, आइए। कैसे है वीणा जी आज? ठीक हूँ मैम। आपकी सफर बड़ी लंबी हुई होगी सरगुजा से आते यहाँ तक। जी, कितने दिन लगे? पूरा मैंने कि 13-14 घंटा लगे। 14 घंटा? हाँ। सुबह 4 बजे से निकले था तो यहाँ 10 बजे रात को पहुँचे हैं। आप पहली बार अहमदाबाद आए कभी? हाँ, पहली बार आई हूँ मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आके आज? अच्छा लग रहा है मैम यहाँ आई। इतना मेरे को, मैं सोची भी नहीं थी सपना में कि मैं अहमदाबाद जाऊंगी या फ्लाइट चढ़ूंगी ऐसे करके, लेकिन आज काम के जरिए मैं इतना अच्छा से आज यहाँ पहुँच गई मैं। तो विनिया जी, हम आपसे कुछ बातचीत करेंगे। जी मैम, हमने आपकी वीडियो में देखा कि आप हमेशा आगे पढ़ना चाहती थी। जी, तो आपके लिए शिक्षा का महत्व क्या है? मैम, मैं पढ़ना चाहती थी तो जैसे आजकल होता है कि लड़के लड़कियों में भेद करते हैं कि लड़कियां ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, लड़के को तो घर दूसरे घर जाना है, चूल्हा फूकना है, इतना तक ही सीमित रह जाते हैं माँ बाप। तो इसीलिए मैं चाहकर भी नहीं पढ़ पाए, और पढ़ाई आज की स्थिति में इतना जरूरी है कि अगर हम महिलाएं नहीं पढ़े रहेंगे तो पुरुष है कि दबा के रख देते हैं कि अरे तुम कुछ नहीं जानते, घर तक ही सीमित रहो, तुम्हारा काम है कि चूल्हा चौका करो, बर्तन धो बस इतने। लेकिन नहीं, पढ़ाई उतना ही महत्व है, जैसे पुरुष काम कर सकते हैं वो काम को हम महिलाएं भी कर सकते हैं, इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। और मैं अपने में तो पढ़ने के नहीं कर पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी को अच्छा से पढ़ा लूँ। क्या कर रही है आपकी बेटी अभी? मेरी बेटी 11th क्लास में है और मैं एक ट्रैवल एरिया गांव से 200 किलोमीटर दूर भेजी हूँ अपने बेटी को पढ़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, और वो क्या करना चाहती है आगे बढ़ के आपकी बेटी? उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। अरे वाह, बहुत अच्छी सोच है। तो वीणा जी, पहले के मुकाबले में आज आपकी जिंदगी में काफी बदलाव आया है, पारिवारिक बदलाव आया, सामाजिक बदलाव आया। हाँ। तो उसकी कुछ बात आप कर सकते हैं? जैसे पहले मैं पारिवारिक बदलाव में, जैसे मैं घर में पहले थी तो कुछ नहीं करती थी, घर तक ही सीमित रहती थी, फिर मैं अब बाहर निकली, थोड़ा सा कमाने लगी, बाहर निकली तो कुछ मैंने कि दूसरे से कुछ सीखने को मिला मेरे को, जो मैं घर में जाके उसको करती थी। बच्चे को मैं पढ़ा नहीं पाती थी तो आज मैं बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, पढ़ा लेती हूँ और 2 पैसा कमाने लगी तो मेरे परिवार की स्थिति भी सुधर गई है। और क्या बोलते हैं, जैसे कि सुधार तो हुआ है, और मैं सोचती हूँ कि मैं अपने पढ़ाई, मैं अपने कमाए हुए पैसा से क्यों ना मैं अपने दोनों बच्चे को आगे तक की पढ़ाई के लिए उसका हेल्प करूँ। आप बचत करते हो? जी मैम। अच्छा, तो वो आगे जाके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी काम है, इसीलिए तो मैं मेहनत कर रही हूँ मैम कि एक मैंने कि माध्यम वर्ग के परिवार के लिए कितना जरूरी है कि पढ़ाना। सब बोलते हैं कि गांव के बच्चे जिसे मध्यम वर्ग के हैं, सुने हम लोग कि बच्चे पढ़ाने के लिए बड़े लोग होते हैं, जिनके पास पैसा है वो बड़े ही ख्वाब देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम मेहनत करेंगे तो क्यों ना अपने बच्चे को हम बड़े पोस्ट में दे सकते हैं, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा सकते हैं। बच्चे का मेहनत है मैम, और क्या बोलते हैं आप, पेरेंट्स की मेहनत और बच्चे की मेहनत इसमें करती हैं। तो आपने आपके भविष्य के बारे में और आपके बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा है? मैं अपने भविष्य के बारे में सोची कि मैंने कि पहले तो पढ़ाई मेरा सीमित रह गया, ससुराल गई, कुछ मैं चाहकर भी पढ़ाई नहीं कर पाई। अब आज मेरे को लगता है कि पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होता, और मैं पढ़ाई शुरू करती हूँ। मैं इस साल 12वीं के फॉर्म भरे हूँ, और 12वीं के पेपर लिखने के बाद मैं उसमें पास हो गई तो BSc करूँगी मैम, ये मेरा भविष्य है। और जैसे मैं पढ़ ली तो अनुभव अच्छा मिलेगा, जानकारी अच्छी रहेगी, तो कहा कि मैं दूसरे महिलाओं को भी मदद दे सकूँगी, उनको जानकारी बता सकूँगी पढ़ने में क्या। अभी जैसे मेरे को कुछ
इंग्लिश वर्ड है वो थोड़ा कम समझ में आता, हो सकता है मैं पढ़ लूँगी तो मेरे को अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब मैं दूसरे में मैं काम जैसे मौसम में मैं काम करती हूँ तो मौसम में अभी काम पर तो थोड़ा सा मेरे को काम करने में दिक्कत आती है, जैसे कहीं पर कुछ है तो इतना कर पाऊँगी कि नहीं। मैं पढ़ लूँगी मैम तो आगे चल के मैं अपने समिति को और आगे ले जा सकती हूँ, कुछ कुछ काम ढूंढ के ला के अपने समिति के महिलाओं को और अच्छा से काम दे सकूंगी, उनको मदद कर सकूंगी। नहीं, आपका जो ये मब्स का मंडल है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है जी मैम। आपने कई मुश्किलियों का भी सामना करके उसको एक ऐसे तौर पे ले गए हो कि वो पूरे आप छत्तीसगढ़ में सप्लाई करने का सपना देख रहे जी हो जी मैम। अच्छा, तो आपके जो यूनिट में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उसमें उनके जीवन में कैसे बदला है, कोई ऐसी कोई महिला है कि जिनकी बात आप कर सकते हो आज? जी मैम, मैं जैसे मेरे मसाला से स्पाइस ग्राइंडर है उसमें मैं 7 महिलाओं के साथ काम करती हूँ मैम। हमारे उसमें एक महिला है जो मैंने कि शराब बनाती थी, ट्रैवल एरिया है, शराब बनाते हैं, खुद पीते भी हैं, महिलाएं भी पीती हैं। तो मैं उस चीज़ को देखी कि मैं उनको फिर देखी तो मेरे को लगा कि नहीं, महिलाओं के लिए शराब पीना कितना नुकसान है, पुरुष तो पीते हैं तो पुरुष पी के तो घर वर बर्बाद हो, अब महिलाएं पियेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, बोलते हैं ना महुआ का, जो घर पे बनाते हैं। हाँ, तो महिलाएं ही पीने लगेंगे मैम, तो महिलाएं ही घर को रख मैंने कि महिलाएं ही घर को बसा सकती हैं और उजाड़ सकती हैं, ये बात है। तो आज मैं देखी कि महिला, तो एक महिला है वैसी परमेश्वरी मझवार करके, उनके घर गई जब मैं तो दारू बनाती थी, शराब बनाते थे, फिर मैं पूछी कि आप क्यों शराब बनाते हैं और क्यों पीते हैं, फिर उन्होंने बताया कि ना ये हम लोग का इसमें है, बोले कि ट्रेवल एरिया शराब पीना काम कुछ भी है। मैं उनको बोली चलिए मेरे साथ आप काम करिए, बोले मैं काम नहीं कर पाऊंगी, पढ़ी नहीं हूँ ऐसे करके। मैं बोली पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक अनुभव होना चाहिए, आपका मेहनत लग रहा है ऐसे करके। फिर वो आई मेरे साथ, धीरे धीरे जुड़ी, काम करते, जब पहले तो महीना में जैसे कि 10 दिन आए 20 दिन गायब रहती थी, फिर ऐसे कर करके उनको कंटिन्यू में आज कर ली, पूरा मंथली आती है ड्यूटी के लिए। और उसके बाद फिर अब वो शराब पीना बिल्कुल छोड़ दी और शराब बनाना भी छोड़ दी। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है, आपने तो बिल्कुल उसके जीवन में परिवर्तन ला दिया। जी मैम, अब वो जो पैसा कमाती है, उसका बेटा 8वीं तक पढ़ाई करके छोड़ दिया था, फिर मैं उनको बोली कि आपका बेटा है 8वीं तक पढ़ाई, उनको आप 10वीं का फॉर्म भरवाइए। बोले दीदी मैं कैसे, मैं कहाँ जाऊँगी फॉर्म भरने के लिए। मैं बोली चलिए मैं हेल्प करती हूँ, मैं भी मैंने कि अपने समूह के महिला दीदी लोग हैं उनसे मैं हेल्प ली और उनके बेटा का फॉर्म भरी, उनका बेटा 10वीं पास करके 11वीं 12वीं कंटिन्यू पढ़ा, फिर रेगुलर क्लास किया, तो आज वो मैंने कि फर्स्ट ईयर में है। अब वो दीदी का जिंदगी इतना अच्छा से हो गया, मेरे को बोलते हैं कि दीदी आप मेरे घर गए, मैं आपको इतना गाली वाली दी, इसके बाद भी आपने मेरा सुन के इतना अच्छा मेरे को काम दिए और मैं मेरा आज स्थिति इतना सुधार हो गया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से मैं उस महिलाओं का सुधार के मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि मैं एक महिला की जिंदगी में सुधार ला सकी। ये आपको तो बहुत सारी महिलाओं की दुआएं मिलेगी जी। हम चाहते भी हैं मैम कि हम ऐसे यानी कि महिलाओं को काम में जोड़ सकें और उनको घर से बाहर निकाल सकें। महिलाएं सोचते हैं कि घर तक सीमित नहीं है, महिलाएं चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं। महिला पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही है, जैसे मेरे लिए भी पहले हुआ था कि मैं काम करने के लिए सोची, मेरे बच्चे का तबीयत खराब हुआ मैम, तो उनको हॉस्पिटल ले जाना था, घर के लोग बोले कि नहीं आपका एक लेडीज जा बस में कैसे सफ़र करोगी, रात का समय है। मैं बोली ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ अगर कोई गलत बोलता है मैं उसको जवाब दूंगी, आखिर तो मेरा भी बच्चा है, सोच के फिर मैं गई। उसके बाद फिर आर्थिक स्थिति खराब था, हम लोग का भी उतना यानी कमाने वाले एक है खाने वाले चार है, उसमें बच्चे का पढ़ाई भी है, कपड़ा है और मेडिकल भी है, सब चीज़ें। मैं सोची कि क्यों ना मैं काम करूँ, फिर मैं काम करना स्टार्ट, मेरे को वही बोलते थे कि नहीं काम पुरुष के साथ तू काम करेगी ऐसा है, लोग सोचेंगे। मैं बोले ऐसा बात नहीं है, लोग सोचेंगे सोचने दीजिए, अपना घर का परेशानी अपने ही जानते हैं कि क्या होता है। फिर इस तरह से मैं काम करना शुरू की, आज मेरे घर में मेरे पति, मेरे हस्बैंड, मेरे पूरा फैमिली इतना सपोर्ट करते हैं, और जैसा कि मैं कुछ बात रखती हूँ कि नहीं ये काम ऐसा करना चाहिए, मेरा पूरा निर्णय मानते हैं। नहीं वीणा जी, आप तो सचमुच में खुद एक वुमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण हो जी। मैं तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है जी, तो आप कुछ बताना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहोगी? जी मैम, मैं जरूर मैसेज दूंगी। सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटियों का शादी
मैंने कि ये जरूरी नहीं है कि जल्दी कर दे, जब तक बेटी मैच्योर ना हो जाए। जो आजकल बोले हैं कि 18 साल में शादी करना, जरूरी नहीं है कि 18 साल में हम शादी कर दे। बेटी का शादी 25 साल 24 साल में करते हैं, और बेटी पूरी तरह से मैच्योर होना चाहिए, अपने आप में निर्णय लेने की सक्षम होना चाहिए, तभी हम बेटियों का शादी करें। और मैं महिलाओं को तो बोलूँगी कि जैसे महिलाएं बोलते हैं कि नहीं हम घर तक ही सीमित है, ये सब गलत है। महिलाएं बाहर निकले कम एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो जरूर उनका दूसरा कदम बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से मैं बोलूँगी महिलाओं को कि एक बार तो कम से कम घर से बाहर निकले, काम करें और सोचें, दूसरे की कभी मत सुने जब तक अपना निर्णय ठोस है, अपना निर्णय लेके ही काम करने के हैं। धन्यवाद वीणा जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और आपका हौसला और देख के तो बहुत बुलंद है आपका हौसला, और आपको भविष्य में भी बहुत बहुत आपको सुविधाएं मिले, आपको सफलता मिले, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। वीणा जी की कहानी से ये जानने को मिलता है कि काम करने की निष्ठा जब आप में हो तो आप हर ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। जब बात ऊंचाई तक पहुंचने की है तो टीके सुरेजा की उपलब्धियां के बारे में जिक्र न करें तो आज का ये प्रोग्राम अधूरा रह जाएगा। केरला के विडिंगजम में एक गरीब घर से ताल्लुक रखती सुरेजा हर महिला के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। सुरेजा ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर कोई महिला कुछ ठान ले तो बड़े से बड़े पद पर वो पहुंच सकती है। मैं एक हाउसवाइफ हूं और मेरा बाहर काम करने वालों से कभी कोई लिंक नहीं रहा है, तो जब मैं लीडरशिप कर सकती हूं तो मुझे विश्वास है कि कोई भी महिला लीडरशिप कर सकती है। मेरा नाम है सुरेजा। मेरा जन्म और परवरिश एक साधारण परिवार में हुआ था। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे दो बच्चे हैं। मेरे हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी के लिए ड्राइवर का काम करते हैं। उनकी कमाई से ही हम अपने बच्चों को पढ़ाते थे, जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता था। 2014 में अदानी पोर्ट से संबंधित अदानी फाउंडेशन के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली। यहाँ विनिज्म में महिलाओं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के बारे में भी मुझे पता चला, और मैंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसी पार्टिसिपेशन और मेरी ट्रेनिंग के आधार पर लीडरशिप ट्रेनिंग प्राप्त करने का अवसर भी मुझे मिला। उस ट्रेनिंग के अनुसार मैं और 5 और महिलाओं ने मिलकर एक क्लीनिंग सर्विस बिजनेस की शुरुआत की, और उस बिजनेस का नेतृत्व करने का अवसर भी मुझी को प्राप्त हुआ। मेरे साथ और जो 5 महिलाएं थीं, हमने मिलकर न जाने कितने ही घरों, फ्लैट्स में क्लीनिंग सर्विसेज प्रदान की, और इसी अच्छे काम और कमाई दिलाने वाले काम को हम लोगों ने चुन लिया, और मैं कह सकती हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की। आगे चलकर उन्हीं 5 महिलाओं ने इस सर्विस की संचालक का भार उठाकर अपने साथ और भी कई महिलाओं को स्टाफ के रूप में जोड़ने का काम किया। महिलाएं सर्विस में रजिस्टर करवाई गईं, हमारे ग्रुप में रजिस्टर हुईं। अभी कुल मिलाकर 25 महिलाएं हमारे ग्रुप में हमारे साथ स्टाफ की जिम्मेदारी निभाते हुए काम कर रही हैं। हस्बैंड अब काम नहीं करते, कोई और इनकम भी नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, सो अभी हम इसी कमाई से जी रहे हैं। मुझे महीने के 10,000 रुपए या फिर कुछ महीने इससे भी ज्यादा रुपए मिलते हैं। अपने काम के हिसाब से हमें वेतन मिलता है। अभी हमारे साथ 25 महिलाएं हैं। अपने साथ हम 100 महिलाओं को अपने ग्रुप में जोड़ना चाहते हैं, उनको काम दिलाना। इसी प्रदेश में विनिजम एरिया की महिलाओं को काम दिलाना हमारा लक्ष्य है। शुरू में हमें कुछ विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये क्लीनिंग का काम ठीक नहीं है ऐसा कहकर कुछ लोग हमारे खिलाफ थे, पर आगे चलकर जो लोग इसके खिलाफ थे उन्होंने ही हमारा साथ देना शुरू कर दिया।
इस पूरे अभियान से मुझे मिलने वाले फायदे तो बहुत हैं, पर उनमें से एक है नेतृत्व का अवसर मिलना, जिससे मैं महिलाओं को काम दिलवा पाई, उनके साथ मेरे परिवार की आय भी बढ़ पाई और अपने घर, अपने समाज से, अपने गांव में मुझे गौरव मिला, इज्जत मिली। इससे मैं बहुत खुश हूँ। टीके सुरजा के बारे में जाना तो ये मालूम होता है कि अगर आप सच्चे दिल से और निष्ठा से कोई काम करते हैं तो जो लोग पहले आपके विरुद्ध थे वे भी आपसे जुड़ना चाहेंगे और यही है आपकी जीत। पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है समाज में इज्जत कमाना। जब आपके काम से लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आने लगेगा तो लोग अपने आप आपको समाज में एक ऊंची दृष्टि से देखना लगेंगे। तो आइए टीके सुरजा से मिलते हैं और उनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्ते। नमस्ते, वेलकम टीके सुरजा। हेलो, नमस्ते, प्लीज हैव। So Surja, I'm very happy to meet you today. So my first question to you is that what inspired you to start this initiative Clean for You? Clean for You ennoru sambrambham roopapeduthan chechiki prajodhanam ayad endanu njan sambathigamayi buddhimutti nikkunna samayathana 2016 il Adhyani Foundation oru parishelanam nadathunnathayi vanithakalkku oru parishelanam nadathunnathayi njan arinjathu. So it was in 2016, she was completely down with her financial condition. On that time, she understood that there was a training happening in Adani Foundation, which was coordinated by her. Aa parishilanathilude enikku oru group roopeekarikkanam ennu thonni njanum enne pole buddhimuttu anubhavikkunna naalu vanithakalum chernu oru Clean for You cleaning service ennu parna oru group roopeekarichu. Soon after the training in 2016, she understood the purpose of a cleaning company in Vizhinjam area, and with the help of other women who comes from a financially low background, with five women, they have started Clean for You cleaning company. Okay. So now how many women are there? Now there are 25. Very nice. So how has the Clean for You group grown, and what are your future plans? Clean for You ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു, എപ്രകാരമാണ് ഭാവി ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? നമ്മുടെ ക്ലീൻ ഫോർ യുവിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമ്മൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു. വർക്കുകൾ കിട്ടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു. ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ദേ ഫൈൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഗെറ്റിംഗ് ദ വർക്ക്സ്. സോ ദർലിയർ ദേ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ക്ലീനിങ് ദ ഹൗസസ് ഓൺലി. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് ക്ലീൻ ഫോർ യു മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് 3 മാസത്തെ ട്രെയിനിങ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വീടുകൾ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഹൈടെക് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് വീട്, ഫ്ലാറ്റുകൾ, ഓഫീസുകൾ, ബാങ്കുകൾ, ചർച്ചസ് മുതലായ സ്ഥാപനങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി. So soon after the training, they have started Clean for You cleaning company, and they have undergone a on-site, on-the-job training for 3 months. On that training, they get to know about the high-tech machinery usage, and through that, they have started working not only with the houses but also with the churches and also mall and also port-related buildings. So they have initially started with the house, but they have flourished it to the higher level. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരു വാടകയ്ക്ക് മെഷീൻ, വാടകയ്ക്കാണ് മെഷീൻ കൊണ്ടുപോകാൻ വാടകയ്ക്ക് വാഹനങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായി ഒരു വാഹനം എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിച്ചു. Earlier, they used to hire a vehicle for their mission transportation and also for the work transportation. But now they own their own vehicle, and a lady from the group itself, she manages the vehicle and runs it. അത് ആ വാഹനം എടുത്തതോടുകൂടി നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ജില്ലകളിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു. Through this, they have traveled to another district for their works, and since today also, her group is working in another district. Another district.
No, it was very nice to see a video where she is riding a motorcycle. So one lady from the group itself, she drives to another district in their own work. She learned driving. Okay. She gained a license and she manages that. Excellent work. So how has the perception of the society changed towards your work, especially the how Clean4U gained popularity? Clean4U-ന്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന മാറ്റം? സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം Clean4U എന്ന കമ്പനി ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരുമാതിരി പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൈടെക് മെഷീനും നമ്മുടെ വാഹനം എടുത്തതും തൊട്ടടുത്തടുത്ത വീടുകളിൽ നമ്മൾ പരിസരം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ആയി കണ്ടതിലൂടെ നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചതിലൂടെ നമുക്കവിടെ ഒരു ബഹുമാനം Clean4U എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആ ഏരിയയിൽ വിഴിഞ്ഞം പ്രദേശത്ത് നമുക്ക് അറിയപ്പെട്ടു. അതോടുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ Clean4U എന്നൊരു കമ്പനിയെ വീട്ടിലും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളെ അംഗീകരിച്ച് ബഹുമാനിക്കുന്നു. So from the society and family, cleaning job is not considered as a non-dignified job. So earlier they had issues for going out for work and all from the family. They have discrimination from the family and the society. But when people get to know about the quality of work they have done with high-tech machines, which was not so familiar in Iriñam area. So people, when they are working, people gets to know about the quality of the work and the usage of machines. Now, Clean4U is an established brand in Viriñam area. So you had an experience in Clean4U, and with this experience, I know that you have taken up some more responsibilities. So can you tell us a little bit more about Vismart and the responsibilities at Vismart? Clean4U ക്ലീനിങ് കമ്പനിയിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ചേച്ചിക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മെച്ചപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ വിസ്മാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാനാണ് മാഡം പറയുന്നത്. Clean4U-വിന്റെ ഒരു വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ മേഖലയിൽ നിന്നും പല ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലൂടെ നേടിയെടുത്ത ഒരു അറിവും അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഓരോ വർക്കിലും നമ്മൾ അവരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ച് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ വിസ്മാർട്ടിൻ്റെ ഒരു കൺവീനറായി എന്നെ അതിന് Clean4U-വിൻ്റെ ലീഡറായി ഉയർന്നു വന്നതോടൊപ്പം സമൂഹത്തിലും ഞാൻ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാനും അത് ഓരോന്ന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുമുള്ള കഴിവ് കണ്ടിട്ടാണ് വിസ്മാർട്ടിലോട്ട് എന്നെ കൺവീനറായിട്ട് നിയമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിസ്മാർട്ടിൻ്റെ 85 വനിതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലീഡറായിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേഷൻ ചെയ്ത് ഇനിയും തുടർന്ന് കുറേ ഗ്രൂപ്പുകളെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Through Clean4U, she have gained leadership quality, especially when talking to the authorities, talking to the manager, management, and also the other work related issue. So through Clean4U, being a leader of Clean4U, she gained some quality from the environment and from the work space, and that have helped her to be a leader of 85 women oriented Vismart. അതോടൊപ്പം തന്നെ പോർട്ടിനകത്തുള്ള വർക്കുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെയും നമുക്കൊരു ബഹുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. സോ ഇൻ ത്രൂ ദിസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ദേ ഹാവ് ബീൻ അലോക്കേറ്റഡ് വർക്ക് വീക്ക്ലി ഇൻ അദാനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഇറ്റ്സെൽഫ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ക്ലീനിങ് ദേർ ഓൾസോ. ഇറ്റ്സ് വണ്ടർഫുൾ, എക്സലന്റ് വർക്ക്. ആൻഡ് സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻസ്പയറിംഗ് ദാറ്റ് ഫ്രം വൺ എന്റർപ്രൈസ് ഓഫ് 5 പീപ്പിൾ Clean4U ടുഡേ യു ആർ ഹെഡിങ് ദ വിസ്മാർട്ട്. With so many women are benefiting through your skills, and you are handling such a large responsibility. You're really, really very happy to meet you, and you're really extremely inspiring. So, Suraja ji, can you tell me a little bit more about your future plans? Clean4U cleaning company yude bhavi parivadi enganeyanu chechi nokki kanunnathu. 5 venidagalumayi roopeecha Clean4U vinde
25 വനിതകൾക്ക് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൂറിലധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന നൂറിലധികം വനിതകൾക്ക് ഇതിലൂടെ ക്ലീൻ ഫോർ യുയിലൂടെ ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ക്ലീൻ ഫോർ യു ക്ലീനിങ് കമ്പനി വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് 5 വിമൻ. Now they have reached giving livelihood to 25 other women. And what they aim is to give livelihood to 100 more women who are divorcees, who are widows, and who face difficulties from the society. So my last question to you on International Women's Day is that what would be your message to the women? അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കായി ചേച്ചിക്ക് എന്ത് മെസ്സേജാണ് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളത്? ക്ലീൻ ഫോർ യുയിലൂടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ട് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്ത് ക്ലീൻ ഫോർ യുയിലൂടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പും വിസ്മാർട്ടിലൂടെ ഒരു കൺവീനറുമാവാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വനിതകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന കുറേ വനിതകളെ അവർക്ക് മോട്ടിവേഷൻ കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു ആത്മവിശ്വാസം കൊടുത്ത് കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും ഏത് പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് വരണം എന്ന് ഉള്ള മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്. ബീങ് എ ഹോം മേക്കർ ടു എ കൺവീനർ ഓഫ് വിസ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ എ ലീഡർ ഓഫ് ക്ലീൻ ഫോർ യു, ഇഫ് ഷീ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്, ഓൾ അതർ ഓർഡിനറി വിമൻ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. സോ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ കോൺഫിഡൻസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഇൻ ആസ് എ വുമൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ഷീ വാണ്ട് ടു കൺവേ ടു ദി സൊസൈറ്റി. Excellent. So trust in yourself. That's a wonderful message for other women. Thank you very much. Surajha ji, it's your story is really extremely inspiring, and on this Women's Day, it is a pleasure to hear from you. Thank you very much for being here. Thank you, madam. Thank you. Arising mein aaj humne char impact makers se baat ki jo apne apne kshetron mein apne sahas, nishtha और कार्यकुशलता के दम पर समाज में अपना नाम रोशन कर रही है. इन सभी महिलाओं ने जो कर दिखाया है वो आज की हर महिला कर सकती है अगर वो सोच ले तो. इन्होंने ये सिद्ध किया कि आप अकेले ही बदलाव लाने में सक्षम हैं. जरूरत है तो बस मौके को पहचानने की और पूरा प्रयास करने की. मैं उम्मीद करती हूँ कि अराइजिंग के माध्यम से और भी महिलाएं हमसे जुड़े, अपने जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए और समाज को बेहतर बनाए. मैं देश के सभी महिलाओं से कहना चाहूँगी कि अगर आप कुछ कर दिखाना चाहती हैं, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, समाज में अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, तो हम आपके साथ हैं. इसके साथ मैं भी सभी को विमेंस डे की शुभकामनाएं देती हूं और हर महिला के जज्बे को सलाम करती हूं. धन्यवाद.